नमस्ते सभी को। आप सभी का हिंदी के इस सत्र में स्वागत है। आज हम सभी के साथ पहली शेयरिंग जो है वो यशवंत भैया करेंगे। मैं ब्रीफ में भैया का परिचय रख देती हूँ। यशवंत पाटिल भैया प्रोफेसर एंड HOD हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट शिवाजीराव जोंदड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। भैया ने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप जून 2020 में की थी और जैसे कि हम सभी परिचित हैं भैया काफ़ी सारी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स में, कंटेंट शेयरिंग में, वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन वर्क, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर भैया एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो भैया, यशवंत भैया, आपका स्वागत है शेयरिंग सेशन के लिए। जी, ओवर टू यू भैया। जी जी दीदी, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। तो भैया मैं शुरू करूं फिर? जी भैया, बिल्कुल जी। तो नमस्ते सभी को। जैसा अभी निधि दीदी ने बात रखी है, दीदी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया है, मैं थोड़ा सा उसे मतलब फिर से बताता हूँ। तो मेरा नाम यशवंत शिवगौड़ा पाटिल है। बेसिकली हम कर्नाटक से है, लेकिन पिताजी के जॉब के कारण मुंबई में सेटल हुए हैं। मेरा एजुकेशन मतलब मैंने BE सिविल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो COEP के नाम से भी जाना जाता है, वहां से कंप्लीट की है। मेरा MTech इन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम बसवेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बागलकोट इन कर्नाटक का, और PhD फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात से कंप्लीट की है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के शिवाजीराव जोंदड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड HOD के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे लगभग मुझे अभी 29 ईयर्स कम्प्लीट हुए हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी भारती जो हाउसवाइफ है, हम सभी का ध्यान रखती है, और जो कुछ भी मैं UHV एक्टिविटीज कर पा रहा उसमें उनकी काफ़ी सहायता हुई है। इनफैक्ट जिस तरह का सहयोग उनकी तरफ से मिल रहा है उसी के कारण शायद मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो मतलब हो पा रहा है। मेरे दो बेटियाँ और एक बेटा है कि जो पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, दूसरी बेटी 3rd ईयर में और बेटा 1st ईयर में पढ़ रहे हैं। मेरा भाई अपने परिवार के साथ में गांव में रहता है और वहां पे हमारी जो खेती है उसे वगैरह वो देखता है। मेरा फर्स्ट वर्कशॉप मैंने जून 2020 में कोरोना पीरियड में ऑनलाइन में किया था, और वो सिर्फ इसके लिए था कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया था कि आपको एक कुछ वर्कशॉप है इसको अटेंड करना है। लेकिन वर्कशॉप में सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी थी कि जब एक क्वेश्चन आया था कि क्या आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर वर्ड जो है संबंध पूर्वक उसके तरफ मेरा ध्यान गया था और देख रहा था कि चाहता तो मैं संबंध पूर्वक जीना ही हूँ लेकिन वैसा नहीं हो रहा, मतलब घर में भी है या तो वर्क प्लेस में या तो समाज में भी बाकी लोगों के साथ में ये संबंध पूर्वक जीना नहीं हो रहा। कुछ लोगों के लिए काफी विरोध का भाव बना रहता है, जैसे कि मेरे एक अंकल है और हमारा मतलब मेरे पिताजी के समय से कोर्ट केस चल रहा है, तो काफी विरोध का भाव बना है और जो मुझे नहीं चाहता मतलब चाहिए था। तो और ये भी ध्यान में आया कि अगर इस वर्कशॉप के साथ में मैं जुड़ा रहूंगा, इस UHV कंटेंट के साथ में जुड़ा रहूंगा तो शायद इसमें मेरी कुछ समझ बन पाएगी। फिर वर्कशॉप मतलब बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, वॉलंटियर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने लगा और धीरे धीरे फिर समझ बन पा रही है, कुछ पॉइंट्स पे बन पा रही है, कुछ पॉइंट पे बहुत काम करना बाकी है। तो ये सारा मतलब मैं छोटे से मतलब इसमें रखना चाहता हूँ। तो जो पॉइंट के ऊपर जो बिंदुओं के ऊपर गति बनी उसमें एक तो मतलब मानव के हम सभी एक मानव के रूप में जी रहे, और मैं ये देख पाता हूँ कि मैं और शरीर का सह अस्तित्व हूँ।
और मैं मतलब जो आवश्यकता है तो निरंतर सुखी है, मतलब मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, इसकी बहुत सारी क्लैरिटी आई। और इसके लिए फिर मेरा जो प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम तो यही है कि इस हारमोनी को समझना है, इस व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था के साथ में जीना है। और ये सारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम उसी दिशा में। जब शरीर की बात करता हूँ तो फिर ये तो मतलब अभी मैं देख पाया कि शरीर की जो आवश्यकता है वो काफी सीमित है, मात्रात्मक है। इससे पहले जो भौतिक सुविधा के पीछे जो दौड़ना होता था वो काफी कम हो गया है। एक समय में ऐसा लगता था कि कुछ इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भौतिक सुविधाएं जुटा नहीं पाया, लेकिन अभी ये ध्यान में आ रहा है कि जो कुछ भी है वो भी काफी ठीक है, जो है उसमें तो सब चल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब परिवर्तन आया है और इससे फिर थोड़ा अंदर से ठीक भी लग रहा है। जब मैं प्रकृति की बात करता हूँ तो UHV-3 का एक बड़ा उपकार रहा कि प्रकृति में जो संबंध पूर्वक जीना है या तो परस्पर पूरकता है उसकी तरफ ध्यान गए, क्योंकि पहले भी तो मेरा मतलब अभी UH के साथ में तो लगभग 3 साल तो हो गए जुड़ रहा हूँ, लेकिन पूरा ध्यान तो अभी तक मेरा मानव संबंध के ऊपर ही था और प्रकृति है और वहां पे भी मेरा कुछ दायित्व है, यहाँ पे ध्यान था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अभी ये जो चारों अवस्था है, चारों अवस्था की जो परस्पर पूरकता है उसकी तरफ ध्यान बहुत जा रहा है। इनफैक्ट पहले जब बारिश, अभी बम्बई में तो लोकल ट्रेन्स जब बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद लोकल ट्रेन्स का मतलब काफी प्रॉब्लम हो जाता है, और तब जब होता है तो इतने मतलब लाखों प्रवासी ट्रैवल करते हैं तो काफी दिक्कतें होती है, तो बारिश के बारे में भी एक विरोध का भाव बना हुआ। लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि अभी इस मानस मतलब इस बारिश शुरू हो गई, 1.5 महीना हो गया, काफी बारिश हो रही है, अभी भी चालू है, लेकिन वो पहले जैसा डर नहीं रहा कि बारिश ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो विरोध का भाव नहीं रहा। लेकिन मैं देख पाता हूँ ये तो एक व्यवस्था का एक हिस्सा है। उसी तरह से बारिश में पहले मतलब कुछ कीड़े बीड़े भी घर में आते हैं तो भी एक बहुत विरोध का भाव बना रहता है। अभी 8 दिन पहले एक आया था ऐसा, मतलब वो तो आते ही है, तो मैंने बहुत आराम से फिर उसको एक कागज के ऊपर लेके बालकनी में जो पेड़ था वहां पे उसे छोड़ दिया। और मैं देख पाया कि जिस तरह से मैं इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में एक यूनिट, उसी तरह से कीड़ा भी एक इकाई है। तो ये संबंध का भाव मतलब सभी के साथ में है और उसे मुझे परस्पर पूरकता में निभाना है, ये बात ध्यान में आ रही। जब ये अस्तित्व की बात मैं करता हूँ तो अस्तित्व में फिर मतलब मैं एक इकाई हूँ और शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, लेकिन यहाँ तक ही सीमित है। शून्य के बारे में, स्पेस के बारे में अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया और समझने का प्रयास तो रहेगा, लेकिन पहले जो इन बातों है इन बातों के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। लेकिन पहले एक ये जो पूरा अस्तित्व है मतलब जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं उससे इतना ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में फिर मैंने ये हमारी एक पृथ्वी है, प्लैनेट है और एक मतलब एक सन है, इतना ही सीमित था। लेकिन जब ये अस्तित्व को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ब्रह्मांड देख रहा हूँ तो इतना बड़ा है, कुछ हमारी मतलब एक गैलेक्सी है और इसी बहुत सारी गैलेक्सीज है। ये जब मैं अभी देख रहा हूँ तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो देखे तो फिर ये पूरी व्यवस्था कितनी बड़ी है और उसके हिसाब से मैं एक यूनिट हूँ, ये भी ध्यान में आ रहा। जब मानवीय आचरण की बात मैं मतलब देखता हूँ कि मेरा कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए, तो मैं तो सुखी और समृद्ध होना चाहता हूँ और उसके लिए इस व्यवस्था को समझ के व्यवस्था के साथ में जीना चाहता हूँ और उस तरह से मेरा कंडक्ट हो जाए। लेकिन जो अभी प्रेजेंट कंडक्ट है उसमें मैं और इसमें काफी गैप देख पाता हूँ, उसको इस गैप को समझने का और इस गैप को फिलअप करने का प्रयास जारी है।
कुछ बिंदुओं पे मैं कर पा रहा हूँ लेकिन कुछ बिंदुओं पे नहीं भी कर पा रहा हूँ, और उसमें ये भी देखता हूँ कि बहुत सारी मान्यताएं भरी हुई है, और उनसे मतलब हो सकता है कि अच्छा वर्ड तो यही रहा होगा कि मैं जूझ रहा हूँ। जैसे कुछ बातें तो बहुत ध्यान में आती है, जैसे कि सम्मान, सभी का सम्मान करना है। ये जब बात मैं भी वर्कशॉप में शेयर करता हूँ या तो फिर खुद में देखता हूँ तो ये बात ध्यान में आती है और कर भी पाता हूँ। लेकिन जब विश्वास के भाव की बात आती है कि सभी के साथ, फिर मुझे विश्वास पूर्वक मेरा मतलब बर्ताव होना चाहिए, तो फिर वहां पे वो नहीं हो पा रहा है। भला कि मतलब हम वर्कशॉप में शेयर भी कर रहे हैं, इंटेंशन और लैक ऑफ द कॉम्पिटेंस, ये बातें तो शेयरिंग के रूप में कर पा रहा हूँ, लेकिन जब खुद जीने का, उसके साथ में जीने का प्रयास करता हूँ तो शायद नहीं हो रहा पा रहा है। तो ये भाव प्रस्थापित नहीं हुए और काफी मुझे लगता है इसमें समय लगेगा कि विश्वास से लेके प्रेम का जो मतलब भाव है, नव भाव, उनके साथ में काम करना है। क्योंकि जब तक मैं इनको नहीं समझ पाऊंगा और खुद में मतलब उनको प्रस्थापित नहीं कर पाऊंगा तो शायद संबंध पूर्वक जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ वो भी नहीं हो पाए। और इससे फिर मतलब मैं देखता हूँ कि जो कुछ इश्यूज होते हैं या तो जो कुछ भी कठिनाई जीवन में आती है, मतलब जैसे फैमिली में या तो वर्क प्लेस में, शायद कहाँ ना कहाँ तो भी उसका मूल तो यहीं पे कि मैं मतलब इस संबंध को नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट, जब मैं अभ्यास एक और दो की बात करूँगा तो अभ्यास एक और दो पे मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन जो जारी था उसी को स्पेशली ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी समझ पहले से बनी थी उसी के ऊपर काम हो रहा। तो अभ्यास वन में जो स्टेप वन है कि स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता, भाव और विचार को देखना, तो ये तो मतलब अभी ये स्टेप काफी क्लियर है कि मुझ में जो भाव चल रहे है वो विरोध का या संबंध का है ये मैं देख पाता हूँ, और विरोध का भाव है तो भी क्यों आ रहा ये भी मैं देख पाता हूँ। लेकिन कभी कभी उसको मतलब जो बाकी के स्टेप्स के साथ में उसके जगह संबंध का भाव प्रस्थापित कर रहा हूँ, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, लेकिन काफी कुछ लोगों के साथ में मैं उसको कर पा रहा हूँ। और ये जो मुझमें भाव फिलहाल चल रहा है वो संबंध का है या विरोध का है ये देखता हूँ, और इसका निर्णय जो स्टेप नंबर फोर है कि इसका निर्णय किसने लिया, तो ये भी काफी क्लियर है कि इसका निर्णय तो मैंने ही लिया, स्वयं ने लिया है। तो इससे मैं ये भी देख पाता हूँ कि जो मेरा सुख या दुख है उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार, बाहर की परिस्थिति जो है वो है लेकिन उसके लिए फिर मैं दुखी हूँ तो ये तो मेरी ना समझ के कारण भी है, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ इसीलिए दुखी हूँ, ये बात तो मेरे ध्यान में आ रही है। तो पहले जो मेरे दुख के लिए मैं दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराता, परिस्थिति को मतलब ठहराता था, वहां से वो शिफ्टिंग आके कि मैं ही हूँ इसके लिए जिम्मेदार, ये तो क्लैरिटी बहुत आ पा रही है। और फिर इसी के साथ में फिर प्रोग्राम जो है, जैसे भी मैंने बात रखी कि प्रोग्राम बना रहा हूँ लेकिन वो कभी सफल भी होता है कभी नहीं भी सफल होता है। फिर जो स्टेप नंबर फाइव है कि निर्णय लेने का अधिकार आधार जो है वो समझ या मान्यता है, तो ये भी देख पाता हूँ कभी कभी तो मतलब काफी सिर्फ एक मान्यता के ऊपर ही कुछ हो जाता है, और समझ के ऊपर जब निर्णय लेना है तो उसमें समय भी लगता है और काफी मुझ पर मतलब काम भी करना पड़ता है, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। और स्टेप नंबर सिक्स और सेवन में जो मुझे सहज स्वीकार्य है ये तो मैं बहुत क्लियरली देख पाता हूँ कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव भी सहज स्वीकार्य है, और उसे मुझ में प्रस्थापित करना ही एक बहुत बड़ा काम अभी है ऐसा मैं समझता हूँ, और इसी दिशा में प्रयास भी जारी है।
अभ्यास दो में जब मैं चैतन्य और शरीर के बीच की जो इंस्ट्रक्शंस मतलब सूचनाओं का जो आदान प्रदान है उसे मैं देख पाता हूँ, और मैं और शरीर ये दोनों भी अलग अलग वास्तविकताएं हैं, मैं भी है और शरीर भी है और दोनों एक दूसरे के सह अस्तित्व में, इसे तो मैं अभी क्लियरली देख पाता हूँ। मैं का अस्तित्व मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसे मैं देख पाता हूँ कि मैं हूँ, और उसी तरह से शरीर से जो संवेदना आ रही है उसे जब मतलब पढ़ता हूँ तो शरीर भी है, ये क्लैरिटी तो अभी है। दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है वो सूचनाओं का ही है, और इनमें से कौन सी संवेदना को पढ़ना है और इनको इग्नोर करना है ये एक्सरसाइज भी मैं बहुत बार किया है, और मैं देख पाया कि बहुत बार मैं इग्नोर करता हूँ, कभी कभी बाद में ध्यान में आता है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे और मैंने उनको इग्नोर किया था, लेकिन जैसे वो कोई काम कंप्लीट हुआ है अभी ये जो संवेदना है वो काफी जोर से उठ के आ रही है। अभी इन संवेदनाओं का जो मतलब बाह्य परिस्थिति का जो है शरीर पर प्रभाव या कभी मतलब मेरा निर्वाह ये जब मैं देखता हूँ तो मैं इन संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसके साथ में उसे मैं कुछ अर्थ देता हूँ, और इस अर्थ के साथ ही फिर मतलब मेरा कुछ डिसीजन होता है ये भी मैं देख पाता हूँ। और इसमें जो स्टेप नंबर 7 है, जैसे कि मैंने अभी बात रखी थी कि शून्य के बारे में, तो सिर्फ एक सूचना के रूप में ही है, तो एक्सरसाइज 1 और 2 क्योंकि इस पर्टिकुलर सत्र में UHV 3 का कंटेंट के ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा ध्यान था, एक्सरसाइज 1 और 2 में मैं इतना नहीं कर पाया, लेकिन भविष्य में ये जो स्टार स्टेप्स है इनको बार बार में देखते हुए उनको मैं रिवाइज करने का प्रयास करूँ। तो अभी इन 4 महीनों में जैसा 7 बैच शुरू हुआ है तो उसमें जो परिवर्तन आया है उसे भी मैं रखूंगा, लेकिन बहुत सारा जो है UHV के साथ में 3 साल जुड़ने के साथ में ही है, तो एक मेजर बदलाव मैं खुद में मैं देखूंगा। तो जैसे मैंने अभी एक बात ये भी रखी कि भौतिक सुविधा के ऊपर जो ध्यान था वो पूरा हट गया है। नंबर 2 पे मैं ये रखूंगा कि संबंध पूर्वक जीना पहले भी होता था लेकिन अभी उसके ऊपर काफी ध्यान जा रहा है, और कुछ मेरे दोस्तों ने भी मतलब ये बात रखी है कि पहले से आप में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि कॉलेज में भी किसी असिस्टेंट को कुछ काम बताने के बाद अगर बार बार बताने के बाद भी अगर वो नहीं कर रहे तो काफी मैं डिस्टर्ब रहता था, लेकिन अभी बहुत सहजता के साथ मैं उनको यही बात रखता हूँ कि आप जल्दी कीजिए, मतलब का समय पे हो जाएगा तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काम तो आपको करना ही है तो जितना जल्दी आप उसको कंप्लीट करोगे तो उतना ठीक रहेगा, तो उसको घर पे भी लेके जा सकते हैं और कर सकते हैं, तो इस तरह से बातें मैं रखता हूँ, तो उससे जो उनका भी बर्ताव है वो भी मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि वो भी चेंज हो रहा है, एक बात है। उसी तरह से नेचर की तरफ इस प्रकृति की तरफ काफी ध्यान गया है कि जो पहले नहीं था, और उसके लिए फिर मैं इस परस्पर पूरकता में मैं क्या कर सकता हूँ ये थोड़ा मैं अभी देख पा रहा हूँ। जिम्मेदारी की जब बात मैं करूंगा तो जो कुछ भी एक भाव और विचार में एक स्थिरता आई है तो मुझे लगता है ये सारा मतलब एक UHV के कारण ही हुआ है, और मैं ये भी देख पाया कि जब भी मतलब इस UHV के साथ में मैं जुड़ा रहता हूँ या जहाँ पे जब वॉलेंटियरिंग के रूप में कुछ काम मतलब कुछ भागीदारी करने का प्रयास करता हूँ तो उससे समझदारी मतलब कंटेंट के बारे में क्लैरिटी आने के बाद हो या तो मतलब समझ बढ़ाने भी उसका काफी मतलब मुझे फायदा मिलता है, तो उसे मैं मतलब कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन है उस एक्टिविटीज से भी अगर कुछ ज्यादा अगर मैं कर पाया तो जरूर करने का प्रयास करूँगा।
एक पॉइंट जो है कि जहाँ पे काफी शॉर्टकमिंग्स है कि इस कंटेंट को मैं सिर्फ अभी जो UHV परिवार है मतलब वहीं पे शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाके जो मेरा मित्र परिवार है या तो कॉलेज या तो मेरे जो फ्रेंड्स के कॉलेजेस है वहाँ पे भी इस कंटेंट को उनके साथ में शेयर करने का अभी मेरा प्लान है, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो ये कुछ बातें मैं रखना चाहता था, लेकिन इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये सारी UHV जर्नी में रिसोर्स पर्सन्स या तो जितने भी सारे मेरे कलीग्स हैं को एक्सप्लोरर्स हैं, उसी तरह से मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स विशेषता मेरी पत्नी और वर्क प्लेस में जो मेरे कलीग्स हैं उन सभी ने मेरी जो सहायता की और मेरी समझ बढ़ाने के लिए जो मुझे हेल्प किया उसी के उसके लिए मैं सभी की तरफ मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद। नमस्ते जी भैया। तो अब हम कुमार भैया को आमंत्रित करते हैं अपने पॉइंट्स के लिए। जी कुमार भैया। जी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी भैया। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही यशवंत भैया, बहुत ही ईमानदारी से सरलता से बारीकी से अपने मूल्यांकन को आपने रखा, जितने बिंदु थे उनमें हर एक बिंदु पर ध्यान देते हुए आपने मूल्यांकन को रखा और साथ ही इस प्रकार का सहयोग परिवार से मिल रहा है तो भी सही है। मैं खुद भी देख रहा हूँ पिछले एक वर्ष में आपने काफ़ी गति हुई है, एक वर्ष पहले जिस तरह से आपकी भागीदारी थी और आपकी प्रस्तुति थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया और भी सुबह के सत्र में भी जिस निष्ठा के साथ तत्परता के साथ आप उपलब्ध रहे और सहयोग किया उस सहज भाव के साथ वो भी प्रशंसनीय है। तो एक अच्छी गति मुझे दिखाई दे रही है, अच्छी संभावना दिखाई दे रही है और इसमें अगर निष्ठापूर्वक इसी तरह अगर हम लगे रहे तो आने वाले समय में जो बड़ी व्यवस्था हम भागीदारी के लिए नए नए अवसर खुल रहे हैं उसके लिए अपने को और योग्यता बढ़ानी है उस पर ठीक से अगर काम किया जाए तो एक ऐसी संभावना समाज के लिए भी बनेगी। ये भी देखा कि आप जैसा अपने आप में देख रहे हैं वैसा रख पा रहे हैं मतलब पारदर्शिता के साथ, अच्छी बात रहेगी। आपने अभी जो वर्कशॉप लिया है अभी जो शेयरिंग हुई उसके बारे में पहले भी कुछ सूचना मिली थी और वो भी मुझे काफ़ी ठीक दिखाती थी, मन लगा कर आपने काम किया है इसलिए उस तरह की प्रस्तुति अब आपकी हो पा रही है, बहुत अच्छी संभावना मुझे दिखाई देती है भैया। एक बात हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अभी प्रचलन में जिसे हम सम्मान मानते हैं सुविधा से शरीर से मान्यताओं से अपने एक्सप्रेशन से और अभी इस तरह की स्वीकृति हमें मिलती है अपने ऊपर निष्ठापूर्वक काम करने में, उनमें एक गुणात्मक अंतर है। तो हमें इस तरह की शेयरिंग को सुनते हुए और शेयरिंग का जो रिफ्लेक्शन है आते हैं उसको सुनते हुए भी सम्मान का सही अर्थ स्पष्ट होता है, जब स्वयं में जितना परिमार्जन करते जाते हैं उतना दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होता है और एक श्रेष्ठता की स्थिति बनती है और इसमें उभय सुख होता है। प्रचलन में जिसे हम सम्मान मानकर लगे हुए उसके पीछे दौड़ रहे हैं उसमें अल्टीमेटली उभय सुख की संभावना नहीं दिखाई देती है। हम सब के लिए भी एक मैसेज है कि हम अपने ऊपर जिस तरह से निष्ठापूर्वक काम करते हैं अपना तन मन धन लगाते हैं से हमारे में जो परिमार्जन होता है वो समाज की व्यवस्था का एक मौलिक आधार है। तो बहुत ही बढ़िया रहा भैया, आपके लिए आपके साथ अच्छी संभावना है। कॉलेज में भी आपका कितना समय जा रहा है और कितना समय भी आप और दे पाने की स्थिति में इस पर कुछ आप रखना चाहेंगे? हाँ जी भैया, कॉलेज में तो सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक मतलब ट्रैवलिंग और कॉलेज का हो जाता है, लेकिन हमारा कॉलेज वैसे 5 डे वीक है तो सैटरडे संडे तो मुझे फुल फ्री मिलते हैं और उसी तरह से जब कॉलेज में भी रहूंगा और कुछ कॉलेज का काम नहीं है तो कुछ UHV का जो कुछ डॉक्यूमेंट का पार्ट है वो कर पाता हूँ और शाम को जब 6 बजे के बाद आता हूँ तो फिर मैं मेरे काम सब कर पाता हूँ और
एक बहुत पहले बार उमेश भैया ने ये बात रखी थी कि जब मैं एज अ पार्टिसिपेंट था कि शाम को हमारी 6 to 7:30 मीटिंग होती है, तो मीटिंग में सभी लोग आइएगा। और बहुत बार ये होता कि हमको लगता है कि 6 to 7:30 मेरा कुछ काम है, तो भैया ने बात रखी थी कि फिर अगर ऐसा कुछ काम है तो उसको हम मीटिंग से पहले भी कर सकते हैं या मीटिंग के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग को अटेंड करें तो लाभदायक होगा। तो ये काफी बात मेरे ध्यान में आई, तो ऐसा कुछ है कि मीटिंग के समय मेरा कुछ काम अगर रहेगा तो फिर मैं उसको पहले या तो बाद में शेड्यूल कर पाता हूँ, तो इस तरह से पार्टिसिपेट कर पाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई जी भैया, धन्यवाद।